नमस्कार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कमेटी बना दी है और पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख होंगी। इसी के साथ साथ एनआईए के आईजी, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, पंजाब के एडीजीपी, ये सभी इस कमेटी के सदस्य होंगे जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच करेंगे। पहले पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, फिर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी पर उन्हें यकीन नहीं है, और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी बना दी जो इस पूरे मामले के निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। 5 जनवरी की यह घटना है। पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां उन्हें एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन उस कार्यक्रम को बीच में ही रद्द करके वो वापस लौट आए और उसकी वजह थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। प्रधानमंत्री के काफिले को फिरोजपुर पहुंचने से पहले 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। आगे कई प्रदर्शनकारी मौजूद थे जिन्होंने सड़क को ब्लॉक कर रखा था। उनमें से कई प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की गाड़ी के बेहद नजदीक तक पहुंचने की कोशिश भी की और उसी के बाद प्रधानमंत्री ने इस दौरे को रद्द कर दिया। तो सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम जांच अब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। 5 सदस्यों की यह कमेटी जांच करेगी। जांच की अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस कमेटी में एनआईए के आईजी, एडीजीपी पंजाब शामिल होंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सारे रिकॉर्ड सौंपे जाएंगे। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच को बंद करने का आदेश दिया गया है। ना केंद्र सरकार की जांच, ना पंजाब सरकार की जांच, अब सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ही इसकी जांच करेगी। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।